चेक 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 हाय एवरीवन एक बार क्विकली लेट मी नो एम आई लाइव एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल फटाफट से बता दीजिए एंड देन वी शेल गेट स्टार्टेड विद टूडे सेशन परफेक्ट यस वी आर लाइव बहुत बढ़िया चलिए

फाइन हाउस द जोश फटाफट से बता दीजिए हाउस द एवरी वन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आई वुड से चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर फोर और चैप्टर नंबर फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक वन क्लियर है सभी को आज संडे है लेकिन फिर भी हमने सेशन रख लिया है ताकि हम एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो अपने एग्जाम से पहले कवर कर लें क्लियर है फाइन एवरी वन ठीक है ठीक है जिसका भी फिजिकल एजुकेशन का आ, कल एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक ऑल द बेस्ट टू यू गाइस अभी उसकी तैयारी कर लीजिए एंड कल आने के बाद पेपर देने के बाद कल आप आ, ये वाला चैप्टर कर सकते हैं या फिर बाद में कर सकते हैं रिकॉर्डेड सेक्शन रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं क्लियर है सभी को राइट सो यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डेड सेशन आपको यहाँ चैनल पे मिल जाएगा बाकी जिनका फिजिकल का एग्जाम नहीं है हम शुरू करते हैं अपने सेशन के साथ फाइन एवरी ठीक है चलो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑल ऑफ यू जो फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं कल राइट ऑल्सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अन अकेडमी पे बहुत सारे मस्त मस्त सेशंस आपके लिए आ रहे हैं जो कि पेड हैं स्पेशली फॉर कोर्सिस तो आपको 20% ऑफ का बहुत धमाकेदार ऑफर मिल रहा है अगर आप कोड लगाएंगे सीयू टी हंड्रेड सी यू ई टी हंड्रेड कोड लगाएंगे तो 20% ऑफ मिलेगा और पूरा कॉम्बो जिसमें आपको डोमेन स्पेसिफिक प्लस लैंग्वेज टेस्ट प्लस जनरल टेस्ट सबकी तैयारी कराई जाएगी तो वो है आपका रुपीज़ फोर थाउजेंड ओनली का वो भी सिक्स मंथ्स के लिए अगर हम नॉर्मली आजकल तो विलेजेस में भी ट्यूशन के लिए अप्लाई करें हज़ार से कम आठ सौ से कम मंथली फीस एक सब्जेक्ट की तो नहीं होती है लेकिन यहां पे सारे सब्जेक्ट हैं वो भी फोर थाउजेंड डिवाइड बाई आप 6 कर लो तो महीने का आपको कितना ज्यादा रीजनेबल पड़ रहा है टॉप एजुकेशन एजुकेटर्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है पर्सनली आई रिकमेंड दिस टू यू हमारा जो चैंपियंस बैच है वो भी अभी चल रहा है आई विल बी टेकिंग अ पोलिटिकल साइंस यू कैन क्विकली गो फॉर दिस बैच ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ऑल्सो जो हमारा चैनल है लेट्स क्रैक सी यू डी यूजी उसका भी जो टेलीग्राम चैनल है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वहां पे सारे एजुकेटर्स अपडेट देते हैं अबाउट द लाइव क्लासेस चलिए परफेक्ट अब हम चलते हैं अपने आज के सेशन पे चलो एवरीवन तो फटाफट -फड़ से बात करते हैं अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर की क्लियर है सभी को हाँ या ना फटाफट -फड़ से थम्स अप दे दीजिए परफेक्ट चलिए तो अभी तक हमने नंबर वन चैप्टर देखा कोल्ड वॉर ठीक है कि भैया 1945 से 1991 तक एक वॉर होती है कोल्ड वॉर ठीक है दूसरी चीज क्या है हमारी यूएस है वो भी कब आती है आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी तो ये तीन चीजें हमने देखी अब हम देखेंगे कि भैया यूएस से हटके और कौन से सेंटर्स हैं वर्ल्ड में जिनके पास थोड़ी बहुत पावर है यूएस से हटके न्यू सेंटर्स ऑफ पावर सेंटर्स ऑफ़ पावर कौन से हैं जो वी कैन से एस्टैब्लिश कर सकते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड या फिर जिनके पास काफी ज्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू यूएस यूएस के बाद में आगे बात समझ में राइट तो फटाफट से ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे चलिए वेरी गुड

काउंटर uh, कर सकते हैं और लिमिट कर सकते हैं दैट इज़ वाई इन यूरोप द यूरोपियन यूनियन सबसे पहला सेंटर ऑफ पावर कौन सा है जो यूएस uh, को लिमिट कर सकते हैं उसकी पावर को लिमिट कर सकता है यूरोपियन यूनियन एंड दूसरा क्या है एशिया में यूरोप Europe में यूरोपियन यूनियन है एशिया में आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दो सेंटर्स ऑफ पावर सभी को यहां पे समझ में आए हाँ या ना फटाफट से बता दीजिए आगे देखिए

यूरोप में और एशिया में कंट्रीज के ग्रुप को ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बना लिया है एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है यहां पे आसियान बना लिया है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस साउथ ईस्ट एशियन साउथ एशिया में इंडिया आता है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में कौन सी कंट्रीज आती है फटाफट से लिख के बता दीजिए क्विकली क्लियर है बस ये बताया गया है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो एसोसिएशन है ये इस रीजन की जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज है उनके बीच में रेगुलेट करती है पीस और कॉपरेशन है ना और ये यूरोप में रेगुलेट करती है रीजनल है ये एक रीजन से एसोसिएटेड है क्लियर है ये बात चलिए आगे चलते हैं इन दिस चैप्टर हम इन ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा जो सेंटर ऑफ पावर है वो है चाइना वेरी इंपॉर्टेंट तीनों ही बहुत ज्यादा बढ़ती हुई सेंटर्स ऑफ पावर है अब सबसे पहले चलते हैं यूरोपियन यूनियन पे क्लियर है सभी को ये क्लियरली विजिबल है या थोड़ा सा और जूम करने की जरूरत है फटाफट से बता दीजिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं चलो ठीक है ठीक है ना इतना थोड़ा सा इतना। अब ठीक है परफेक्ट चलिए तो अब यूरोपियन यूनियन कैसे एस्टैब्लिश होता है एकदम ध्यान से सुनना सारा कॉन्सेंट्रेशन यहां पे होना चाहिए बहुत इजी है मक्खन की तरह समझ में आएगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई कब हुई 1939 से लेके 1945 तक चली तो 45 में खत्म हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हुई थी अलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स है ना अलाइड एंड एक्सिस पावर्स जीता कौन था अलाइड पावर्स जीते थे अलाइड पावर्स में कौन थे हमारे दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर है ना और एक्सिस पावर्स में कौन थे जापान इटली और जर्मनी क्लियर है और ये हार गए थे एक्सिस पावर हार गए थे राइट चलिए एज द सेल्ड वॉर केम टू एन एंड मैनी ऑफ यूरोप लीडर्स द्वेश्चन ऑफ़ यूरोप कि अब यूरोप का क्या होगा क्यों क्योंकि इटली जर्मनी जो पावर्स हार गई हैं वो कहाँ पे हैं यूरोप में है शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट टू इट्स ओल्ड राइवलरीज जो पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये अलायंस uh, था ये ग्रुप था क्या वापस

राइट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर शेटर्ड मेनी ऑफ द एजम्पन्स एंड स्ट्रक्चर ऑन विच द यूरोप स्टेट हैड बेस्ड देर रिलेशन तो जो उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ वो सब कुछ अजम्प्शन स्ट्रक्चर राइट

क्या होगा वापस से इंटीग्रेशन होगी वापस से उनकी को बनाया जाएगा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कंसोलिडेट किया जाएगा नए सिरे से सो यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड एडेड यानी कि हेल्प्ड बाय द कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर क्या थी जो 1945 के बाद हुई है ना 1945 के बाद हुई राइट right? सो so, अब कैसे ये हेल्प हुई कोल्ड वॉर में द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू अलायंसेज यू एस एंड यू एस एस आर और ये क्या कर रहे थे अलायंस बिल्ड कर रहे थे अपने अंदर छोटी स्मॉलर कंट्रीज़ को ले रहे थे और अगर वो स्मॉलर कंट्रीज़ ले रहे हैं तो उनको इकोनॉमिक हेल्प दे रहे हैं है ना फाइनेंशियली एड कर रहे हैं मिलिट्रिली एड uh, कर रहे हैं राइट right? तो ये इससे यूरोप को वापस से मौका मिला अपने आप को इंटीग्रेट करने का सो अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप इकोनोमी अंडर वॉट वॉज कॉल्ड दी मार्शल प्लान तो मार्शल प्लान क्या था जो यूएसए ने यूरोप की फाइनेंशियली हेल्प करी दैट वॉज दी मार्शल प्लान क्लियर है सभी को फटाफट से लिख दीजिए मार्शल प्लान का मतलब क्या है राइट द यूएस आल्सो क्रिएटेड न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर नेटो नेटो बनाया गया जो कि एक मिलिट्री अलायंस था कि भैया अगर मेरे अलायंस पे हमला होगा तो हम ऐसा समझेंगे किसी एक पे नहीं हम सब पे हमला हुआ है और हम वैसे ही आपको रिस्पॉन्ड करेंगे सो मिलिट्री अलायंस बना नेटो क्लियर है सभी को हाँ या ना फटाफट -फड़ से बता दीजिए उसके बाद देखिए अंडर द मार्शल प्लान द OEEC (Organization for ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक अब जैसे जो मैं ये बताती जा रही हूं आपको ऐसे लिखना है अपनी नोटबुक में साथ साथ देखिए नोटबुक रखिए साथ में आपको कैसे लिखना है सबसे पहले मार्शल प्लान ठीक है फिर आ गया हमारा ईयर -E -E e जो मैं बताऊंगी ऐसे फिर जो थर्ड आएगा हमारा यूरोपियन पार्लियामेंट फिर फोर्थ आएगा आपको ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेना है अपने मेमोरी मैकेनिज्म के लिए क्लियर है चलिए तो भैया अब क्या होता है नाउ वी हैव दस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओ ई सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो कि कौन से साल में होता है 1948 में राइट टू चैनल एड टू वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जिसके तहत मार्शल प्लान के अंडर ही हम उनको इकोनॉमिक हेल्प देंगे कौन यूएसए राइट इट बिकेम अ फोरम वेथ द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बी टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज तो ओ का क्या ऑब्जेक्टिव था कि वो कोऑपरेट करें ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज को लेके उधर वो वहां पे अपना जो भी डिस्कशन है उसके लिए कर सके फिर क्या बनता है काउंसिल ऑफ यूरोप ये yes, थर्ड है थर्ड नंबर लगा के लिख लीजिए काउंसिल ऑफ यूरोप इन नाइनटीन में यहां राइट अब इससे क्लियर है चलिए फिर क्या होता है द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्रोसीडेड स्टेप बाई स्टेप लीडिंग टू द फॉर्मेशन अब चौथी चीज जो बनती है वो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी राइट यहाँ कोऑपरेशन से कम्युनिटी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957 क्लियर है अब इसके बाद वापस है यहाँ पे पहले इकोनॉमिक किया फिर पॉलिटिकल किया फिर से इकोनॉमिक किया वापस पॉलिटिकल करेंगे ऐसे याद कर लो पॉलिटिकल में आ गया यूरोपियन पार्लियामेंट का इस्टेब्लिशमेंट राइट सो नंबर वन इज़ मार्शल प्लान नंबर टू इज ओ ई सी नंबर थ्री इज

अमेरिका गिव्स इकोनॉमिक सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन राइट तो तब यूरोपियन यूनियन नहीं बनाता यूरोपियन कंट्रीज फिर धीरे धीरे करके यूरोपियन यूनियन बनता इन दर नाइनटीन नाइनटी टू क्लियर है चलिए वेरी गुड चलिए आगे चलते हैं The foundation was thus laid for a common foreign policy. एंड सिक्योरिटी पॉलिसी तो अब ये ईयू का क्या ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा ग्रुप बना लिया है सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का कि उनकी सेम फॉरेन पॉलिसी होंगी कि वो कैसे और स्टेट्स के साथ और कंट्रीज के साथ डील कर रहे हैं और सेम सिक्योरिटी पॉलिसी होगी कि वो कैसे अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं ठीक है कॉपरेशन ऑन जस्टिस होम अफेयर्स एंड क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी यूरो सिंगल करेंसी है जो उन सारी कंट्रीज में चलेगी क्लियर है ये बात हा या ना यहां पे एक चीज देखनी है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ट्वेल्व स्टार्स क्या दिखा रही हैं सिंबल ऑफ परफेक्शन एंड एंड यूनिटी राइट सर्कल ऑफ ऑफ गोल्ड फॉर बिटवीन द पीपल्स यूरोप राइट तो यहां पे कोई भी इमेज गिवन है उसकी आपको डिस्क्रिप्शन पढ़नी होगी राइट right? चलिए अब चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में पूछ लिया जाता है ये स्टेटमेंट आपको दी जाती है राइट right? और डबल कोर्ट्स में पूछ ली जाती है द यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन जस्टिफाई ऐसा क्यों है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बिकॉज इट हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट की जैसे वो एक कंट्री है राइट ठीक है दूसरा क्या है कि दे हैव अटेम्प्टेड टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द दू बट वो फेल हो गया है और उनके पास क्या है तीसरा पॉइंट खुद का फ्लैग है एंथम है फाउंडिंग डेट है करेंसी है राइट फोर्थ पॉइंट क्या है इट हैज कॉमन फॉरन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन डीलिंग विद अदर नेशन राइट क्लियर है परफेक्ट भैया तो इससे हमारा पूरा आंसर बन गया है कि ईयू क्यों एक इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल की तरफ चल रहा है यहां तक सभी को समझ में आया ये पूरा पेज सबको क्लियर है यस yes और नो no? फटाफट से बता दीजिए क्विकली और क्या किया है यहां पे चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स ऑफ ईयू और क्या कर रहा है यूरोपियन यूनियन जब यूएसएसआर डिस हुआ तो जो पहले अर्स्ट वाइज यानी कि अर्लियर सोवियत ब्लॉक के जो मेंबर्स थे उनको भी अपने ग्रुप में ले रहा है है ना द प्रोसेस हैज नॉट प्रूव्ड इजी क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं जो ई में है उन्हें क्या होता है कि हमारी जो पावर है कहीं वो हमसे छिं तो नहीं जाएगी है ना डर रहता है राइट कि uh, जो पावर है उनकी खुद की गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए दैट इज वाई दे हैव सम रेजर्वेश रेजरवेशन यानी कि डाउट अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द यूरोपियन यूनियन क्लियर है अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इंफ्लुएंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन की क्या पावर है क्या इंफ्लुएंस है तो यहां पे हम इंफ्लुएंस को डिवाइड कर रहे हैं तीन हेडिंग्स में इकोनॉमिक पैसे में क्या इंफ्लुएंस है फाइनेंशियली क्या इंफ्लुएंस है पॉलिटिकल ठीक है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमैटिक साथ में आएगा एंड मिलिट्री तीन चीजें ठीक है so, सो हमारा जो ईयू का इंफ्लुएंस है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल इंफ्लुएंस जिसमें साथ में डिप्लोमैटिक डिप्लोमेसी भी आता है कि आप और नेशन से कैसे डील कर रहे हैं पॉलिटिकल एंड डिप्लोमैटिक ठीक है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, क्लियर है इन तीन हेडिंग्स में आपका इन्फ्लुएंस डिवाइडेड uh, uh, है और यहां पे फिर इसके पॉइंट्स आएंगे जो अभी हम एनसीआरटी में पढ़ेंगे क्लियर है सभी को परफेक्ट चलिए यहां पे आप शुरू होता है हमारा आंसर सबसे पहले इकोनॉमी की बात करते हैं The EU is the world's biggest economy with a GDP of more than dollar 12 trillion in 2005, slightly larger than, larger than that of the US. अब यहाँ पे एक चीज है NCRT में जो updated NCRT है उसमें change है. तो आप अपनी book के according कर लेना बहुत सारी NCERT से जो updated नहीं है. So अगर आपके पास अलग data है, it is okay go with that. ठीक है. दूसरा point क्या है? जो उसकी currency है euro, वो आगे चलके US dollar को threat बन सकती है. Right? तो second point ये

इट ऑल्सो फंक्शन एंड एस एन इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई एम एफ वर्ल्ड बैंक क्लियर है सभी को ये हमारे इकोनॉमिक पॉइंट्स है राइट right? चलिए आप पॉलिटिकल एंड डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट टू मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन एंड दूसरा मेंबर कौन सा है ब्रिटेन एंड फ्रांस राइट right? अब यहां आप लिख देना बिफोर ब्रेग्जिट ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया यूरोपियन यूनियन से राइट right? तो बिफोर ब्रेग्जिट हम लिख सकते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस दो ऐसी कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन की जो परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो उनके पास क्या है नेगेटिव वीटो पावर है उनके पास बहुत ज्यादा पावर है टू चेंज अ डिसीजन ना डिस मतलब, नो मतलब नो कह दिया ना बस कह दिया ये उनके पास पावर है राइट right? क्लियर है और भैया जो बाकी मेंबर्स है ईयू के वो नॉन परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो वो कोई भी डिसीजन को अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट से चेंज कर सकते हैं राइट right? क्लियर है तो यहां पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स एंड नेगोशिएशंस रादर दैन कोअर्शन एंड मिलिट्री फोर्स हैज़ बीन इफेक्टिव एज इन द केस ऑफ डायलॉग विथ चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किू कैसे डील करता है नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट रादर दैन यूजिंग मिलिट्री फोर्स गोइंग टू वॉर वॉयलेंस यूज करना या फिर किसी को ज़बरदस्ती कोर्स करना वो डिप्लोमसी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और नेगोशिएशन बातचीत से अपने इश्यूज सॉल्व करता है फॉर एग्जांपल जैसे उसने चाइना के साथ किया ऑन इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आई बात समझ में सभी को हां या ना अब चलते हैं मिलिट्री एस्पेक्ट पे तीन हमने पढ़े थे ना नाउ मूव ऑन टू मिलिट्री इन्फ्लुएंस

ठीक है इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फोर्थ पॉइंट आई बात समझ में सभी को हां या ना तो ये जैसे हमने वो फ्लो चार्ट बनाया उसके नीचे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और इससे आपका पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा राइट right? क्लियर है परफेक्ट चलिए आगे चलते हैं As a supranational organisation, the EU is able to intervene in economic, political, and social areas. Supranational यानी कि एक से ज़्यादा nations के through वो spread है है ना काफी सारे nations का एक group है ये तो right तो वो भैया इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल एरियाज़ में इंटरफेयर कर, करता है राइट बट इन मेनी एरियाज उसके जो मेंबर्स हैं उनके खुद के फॉरेन रिलेशंस हैं खुद की डिफेंस पॉलिसीज हैं जो कई बार ईयू की जो पॉलिसी और उनकी खुद की पर्सनल पॉलिसी है कंट्री की वो कन्फ्लिक्ट में आ जाती है ऑपोजिट होती है राइट right? दस ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वॉज अमेरिकाज पार्टनर इन द इराक इन्वेजन एंड मेनी ऑफ द दूस न्यूअर मेंबर्स मेड द अपड पॉलिशन ऑफ दिलिंग वेर आर जर्मनी एंड फ्रांस अपोज अमेरिकन पॉलिसी तो कई बार ये जो ईयू के मेंबर्स होते हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं जर्मनी uh, और फ्रांस ने जो कोलिशन ऑफ विलिंग था जो यूएस ने लेड किया था इराक इन्वेजन में उसको अपोज किया लेकिन काफी सारी uh, जो ईयू के मेंबर्स थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया राइट right? क्लियर है सो देर इज ऑल्सो डीप सीटेड स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब होता है शक ठीक है डाउट स्केप्टिसिज्म क्या डाउट है क्या शक है ऑफ यूरोप अबाउट द ईयूज़ इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा कि भैया कहीं वो हमारी कंट्री पे कब्जा ना कर ले दस फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर

है आए सभी को बात समझ में EU हमने कंप्लीट कर लिया है फटाफट से बता दो ई में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बिकॉज वी हैव डन द यूरोपियन यूनियन टॉपिक अब हम चलेंगे आसियान पे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फटाफट से लेट मी नो चलिए एवरीवन वेरी गुड नाजिया जाहिदा महक वेरी गुड परफेक्ट चलिए अब चलते हैं आसियान पे अब आसियान में कौन सी कंट्रीज आती हैं इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है आई एम पी एस टी इम इंपॉर्टेंट का शॉर्ट फॉर्म आई एम पी इंपॉर्टेंट और एस टी ठीक है आय से क्या है फटाफट फड़ से बता दो आय से क्या है आई फॉर इंडोनेशिया एम फॉर एम से क्या है म्यांमार है मलेशिया है मोलडीव है क्या है फटाफट फड़ से बताइए क्विकली मास्ट्रिच ट्रीटी इज द ट्रीटी जिससे यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था अभी आगे चलते हैं ना तो मैं आपको ये रहा है। यहां पे चलिए आसियान वॉज एस्टैब्लिश इन 1967. अब इसको कैसे याद करें इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में तो प्लस 20 ईयर्स करके हम याद कर सकते हैं 67 में आसियान बना ठीक है आई एम पी एस टी इम्पोर्टेंट एस टी आई से इंडोनेशिया एम से मलेशिया पी से फिलीपींस एस से सिंगापुर एंड टी से थाईलैंड राइट हम एशिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट को टारगेट कर रहे हैं ठीक है तो यहां पे अगर मैं मैप देखूं ये देखिए दिस इज योर इंडिया यहां पे आप देख रहे हैं ये इंडिया ये वाला साउथ एशिया है एशिया के मिडल में साउथ दिस इज साउथ ईस्ट एशिया राइट ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है मतलब ध्यान दो जो मैं कह रही हूं साउथ में भी ईस्टर्न पार्ट क्लियर है राइट right? सो so क्या है इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर एंड थाईलैंड क्लियर है सभी को एम एस टी चलिए वेरी गुड अब कौन सी डेक्लेरेशन साइन करी गई बैंक ऑफ डेक्लेरेशन साइन हुई बैंक ऑफ डेक्लेरेशन जिससे आसियान वॉज फॉर्मड इन दर नाइन सिक्सटी सेवन क्या ऑब्जेक्टिव है आसियान के वॉट इज द मेन मोटिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग आसियान सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ हो जिसके साथ साथ सोशल प्रोग्रेस हो और कल्चरल डेवलपमेंट हो ठीक है तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक पैसा आए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जिससे सोशल प्रोग्रेस हो सोसाइटी प्रोग्रेस करे और कल्चर जो है वो हमारा और ज्यादा फूले फले राइट डेवलप हो जाए तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसके बाद क्या है दूसरा ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी जो मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया कि इस रीजन में पीस हो स्टेबिलिटी हो वॉर्स ना हो कोऑपरेशन हो बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर इंटरनेशनल लॉज पे बेस्ड क्लियर है राइट right? चलिए तो अब आसियान का अगर आप यहाँ पे देखें ओवर द इयर्स ब्रुनाई दारुसलाम वियतनाम लाओ पीडीआर म्यांमार एंड कंबोडिया ज्वाइन आसियान टेकिंग इट स्ट्रेंथ टू टू टें तो आसियान में टोटल टेन कंट्रीज हैं क्लियर है चलिए आगे चलते हैं अन लाइक दू देर इज लिटिल डिजायर इन आसियान फॉर सुपरा नेशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन आसियान कंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट आसियान वे क्या है आसियान वे इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है एक होता है कि आप अपने आ, कलीग्स के साथ बैठे हैं ऑफिस में ऑफिस में है फॉर्मल है एक है आप अपने कलीग्स के साथ बाहर पार्टी करने जा रहे हैं इनफॉर्मल है राइट तो इनफॉर्मल नॉन इज कंफ्रंटेशनिस्ट इज यानी कि एकदम आमने सामने कॉन्फ्लिक्ट की तरह कंफ्रंट करें एक दूसरे को एंड कोऑपरेटिव तो एक इनफॉर्मल वे जहां पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है बातचीत करने का कोऑपरेट करने का नेगोशिएट करने का दिस इज दसियान वे एक ऐसा फॉर्म है इंटर एक्शन का जो इनफॉर्मल है फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं राइट right? और िटी की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है आसियान के लिए सोवेरिटी क्या होती है एब्सोल्यूट कंट्रोल इंडिया इज अ अरे नेशन की बाहर से कोई आके हम पे कंट्रोल नहीं कर सकता है राइट सो फॉर ऑल ऑफ दीज टेन कंट्रीज सोवेरिंटी इज द क्रिटिकल फैक्टर कि हमारी जो आजादी है हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो बिल्कुल भी इंफ्रेंज uh, नहीं होनी चाहिए राइट right? चलिए अब इसके बाद यहां पे पहले आसियान का फ्लैग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेन स्टॉक्स ऑफ पैडी पैडी राइस को बोलते हैं दीज रिप्रेजेंट दि टेन साउथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बाउंड टूगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडिटी सर्कल से यूनिटी का सिंबल हमें दिखता है चलिए वेरी वेल डन अब यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग सीबीएसई में बहुत ज्यादा जरूरी है ये क्या है ये आसियान थ्री पिलर्स देखिए फास्टेस्ट ग्रोइंगीज इन दर्ल्ड इट्स ऑब्जेक्टिव अब जो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े फर्स्ट और सेकेंड इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर से बाहर जाके अब इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव ब्रॉडन करे हैं इन टू थाउजेंड एंड थ्री आसियान मूवड अलॉन्ग दाथ ऑफ ई यू बाई अग्री टू एस्टेब्लिश दो हजार तीन में इन्होंने आसियन कम्युनिटी बनाई राइट right? जैसे हमने क्या पढ़ा था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यहाँ पे आसियान कम्युनिटी बनाई जिसके तीन पिलर्स हैं जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है सबसे पहली है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी जो सिक्योरिटी ऑफ द रीजन पे फोकस करेगी देन आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर फोकस करेगी एंड आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी राइट सोशल और कल्चरल इंटीग्रेशन पे वो क्या करेगी ध्यान देगी चलिए अब वन बाय वन हम ये पढ़ेंगे राइट तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दू सिमिलर फ्लो बनेगा आसियान कम्युनिटीज आसियान कम्युनिटी पिलर्स ठीक है तीन पिलर्स हैं जो 2003 में बने राइट सबसे पहले सिक्योरिटी कम्युनिटी फिर फिर क्या है सिक्योरिटी कम्युनिटी के बाद प्लीज इग्नोर माय राइटिंग मैं बस समझाने के लिए लिख रही हूं यहां पे ठीक <laughs> uh, है सिक्योरिटी कम्युनिटी सोशो कल्चरल कम्युनिटी और इकोनॉमिक कम्युनिटी क्लियर है ऐसे आप फ्लोचार्ट चार्ट बनाएंगे और फिर वापस से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी डिस्क्रिप्शन में वो इनके नीचे लिख देंगे क्लियर है ये आपके खुद के नोट्स हैं जो आपको क्लैरिटी देंगे चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिक्योरिटी कम्युनिटी चलो द ASEAN सिक्योरिटी कम्युनिटी was बेस्ड ऑन द conviction दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल disputes शुड नॉट escalate into armed confrontation. कोई भी अगर डिस्प्यूट है कोई भी अगर प्रॉब्लम है दो कंट्रीज के बीच में साउथ ईस्ट एशियन रीजन में तो उनको नेगोशिएशन करनी है वॉर पे नहीं जाना आर्म्ड कन्फ्रंटेशन वॉर ठीक है वॉयलेंस पे नहीं उतरना है राइट सो बाय 2003 आसियान हैड सेवरल अग्रीमेंट्स इन प्लेस बाय व्हिच मेंबर स्टेट्स प्रॉमिस्ड टू अपहोल्ड पीस न्यूट्रलिटी कोऑपरेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेन राइट्स क्लियर है कि हम ना ही इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे की उसमें कोऑपरेट करेंगे पीसफुली रहेंगे राइट right? यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है आसियान रीजनल फोरम ए आर एफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरिज आउट कोशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरन पॉलिसी तो आसियान रीजनल फोरम क्या है जो सिक्योरिटी और फॉरन पॉलिसी को कॉर्डिनेट करती है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है क्लियर है सभी को परफेक्ट आगे चलते हैं इकोनॉमी की बात करें इकोनॉमिक कम्युनिटी तो यहां पर रिमेन्स प्रिंसिपल एंड इकोनॉमिक एसोसिएशन सबसे मेन मुद्दा इकॉनॉमी है जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में पहले भी था वाइल रीजन एज अ होल इज अ मच स्म इकॉनमी तो छोटी क्योंकि बहुत दस कंट्रीज से बनी है सिर्फ राइट इट्स इकॉनॉमी इज ग्रोइंग मच फास्टर देन ऑल ऑफ दीज लेकिन इकॉनॉमी बहुत फास्टली ग्रो हो रही है राइट right? दिस अकाउंट्स फॉर दिस द ग्रोथ इन इट्स इन्फ्लुएंस बोथ इन द रीजन एंड बियड उस रीजन में भी और बाहर भी ट्रेड अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट सो ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान कम्युनिटी आर टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस एक सेम एक ही मार्केट हो पूरे साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए जो कॉपरेट करे और सप्लाई करे ठीक है विद आसियान स्टेट एंड टू एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन जो हमने पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा वही है सेम इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मकैनिज्म दूसरा पॉइंट है पहला एक कॉमन मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन क्रिएट करे दूसरी है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मकैनिज्म अगर कोई इशू हो जाता है इकोनॉमी से रिलेटेड ट्रेड से रिलेटेड तो उसमें बेहतर तरीके लाएं उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए राइट टू रिजोल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट आसियान हैज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग फ्री ट्रेड एरिया तीसरी बात जहां पे टैरिफ टैक्सेस बहुत कम लगे या ना ही लगे फॉर इन्वेस्टमेंट लेबर एंड सर्विसेज द यूएस एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव्ड फास्ट टू नेगोशिएट विद आसियान क्लियर है सभी को हाँ या ना दिस वॉज अबाउट द इकोनॉमिक कम्युनिटी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन uh, की तरह आसियान एक बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है फॉर एग्जाम्पल इट्स विजन ट्वेंटी ट्वेंटी रोल फॉर आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी वो रीजन एज ए होल कैसे डेवलप कर रहा है ट्रेड की वजह से दिस बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक इन द रीजन तो हमने आसियान वे पढ़ा और यहाँ पे विजन ट्वेंटी ट्वेंटी जो क्या कर रहा है आसियान को एक आउटवर्ड लुकिंग रोल प्रोवाइड कर रहा है कि वो और भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में ट्रेड करे और कॉपरेट करे आसियान हैज मीडिएटेड एंड जैसे वो एक मीडिएटर बना है कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ईस्ट तिमोर क्राइसिस में एंड वो हर साल मिलता है टू डिस्कस ईस्ट एशियन कॉपरेशन हमें कैसे कॉपरेट करना है राइट फाइन एवरी वन यस और नो यहां पे

आसियान मेंबर्स वन इज सिंगापुर एंड द नेक्स्ट इज थाईलैंड क्लियर है तो हमने दो कंट्रीज के साथ ऑलरेडी एफ साइन कर लिया है राइट right? और हम पूरे आसियान के साथ एफ साइन करने की कोशिश में है क्लियर है सभी को परफेक्ट अब हम चलेंगे अपने थर्ड सेंटर ऑफ पावर पे विच इज चाइना द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनोमी सब रेडी हैं हाँ या ना फटाफट से बता दीजिए यस और नो जी एवरी वन चाइना हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर वेरी गुड महक ओके जाहिदा वेरी वेल डन बहुत बढ़िया चलिए द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनोमी थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्या है हमारा पड़ोसी हमारा प्यारा नेबर चाइना चलिए जो कार्टून है जो ड्रैगन है और जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो क्या दिखा रही है राइज ऑफ दी चाइनीज इकोनॉमिक पावर राइट तो देखिए चाइनाज इकोनॉमिक सक्सेस सिंस 1978 हैज बीन लिंक्ड टू इट्स राइज एज अ ग्रेट पावर चाइना हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऐसी कंट्री है जिसने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी है राइट right? वो कब से शुरू हुई जब उसमें रिफॉर्म्स कुछ ऐसे चेंजेस लिए गए तब से उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा मैसिवली इंक्रीज हुई इट इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यू एस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई ट्वेंटी फोर्टी राइट सो इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन टू द रीजन मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ ई स्टेशन ग्रोथ डेयर बाई गिविंग इट इनॉर्मस इंफ्लुएंस इन द रीजनल अफेयर्स राइट आप कहां पे भी देख लीजिए साउथ एशिया में देख लीजिए साउथ ईस्ट एशिया में देख लीजिए चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहता है राइट right? चलिए तो अब यहां पे हम हिस्ट्री देखते हैं कैसे चाइना में इकोनॉमी ग्रो हुई

सोवियत मॉडल यानी कि यूएसएसआर का जो मॉडल था कम्युनिज्म का वो फॉलो होता था अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चोज टू सिवियर कट ठीक है इट्स लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वो कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा था कैपिटलिस्ट वर्ल्ड विद द वेस्ट इट हैड लिटिल चॉइस बट टू फॉल बैक ऑन इट्स ओन रिसोर्सिज एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑन सोवियट एड एंड एडवाइस तो उसके पास क्या ऑप्शन था कि वो खुद अपने रिसोर्सिस प्रोडक्शन करें है ना या फिर जाद से ज्यादा यूएसएसआर से हेल्प ले लें राइट द मॉडल वॉज टू क्रिएट अट्ड हैवी इंडस्ट्रीज स्टेट ओन्ड है क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो की इंडस्ट्रीज वो हैवी इंडस्ट्रीज फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील वो ओन कर रही है फ्रॉम द कैपिटल अक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर करके कैपिटल आया पैसा आया उससे हम हैवी इंडस्ट्रीज बनाए जो की गवर्नमेंट ओन करेगी जैसे कि भैया सोशलिज्म में था और कम्युनिज्म में था एज इट वॉज शॉर्ट ऑफ फॉरन एक्सचेंज दैट इट नीडेड इन ऑर्डर टू बाई टेक्नोलॉजी क्योंकि ट्रेड तो कर नहीं रहे हैं तो फॉरन एक्सचेंज कैसे आएगा बाहर का पैसा कैसे आएगा तो टेक्नोलॉजी और गुड्स कैसे वो खरीद पाएगी वर्ल्ड मार्केट में चाइना डिसाइडेड टू तो सब्सटीट्यूट इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स तो उसने सोचा मैं टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट नहीं करूंगा मैं खुद प्रोड्यूस करूँगा खुद मैन्युफैक्चर करूँगा डोमेस्टिकली विद इन माई ओन कंट्री क्लियर है ये बात चलिए इससे क्या होता है दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज इट्स रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश फाउंडेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन अ स्केल दैट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर ये चीज काम कर गई चाइना के लिए इम्प्लॉयमेंट भी मिली लोगों को सोशल वेलफेयर भी हुआ सोशलिज्म था है ना चाइना मूवड अहेड ऑफ मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एजुकेटिंग इथ सिजन एंड इंश्योरिंग बेटर हेल्थ फॉर देम राइट सो इकोनॉमी बढ़ने लगी एट द रेट ऑफ फाइव टू सिक्स परसेंट जो एनुअल ग्रो, ग्रोथ थी पॉपुलेशन में वो टू टू थ्री परसेंट थी तो ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा था क्योंकि इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही है राइट सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज नॉट सफिशियंट सो so, हमने क्या पढ़ा कि एग्रीकल्चर से जो पैसा आ रहा था उससे इंडस्ट्रीज बन रही थी लेकिन ऐसा कोई सरप्लस हमें कोई प्रॉफिट uh, नहीं मिल रहा था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से सो so, क्या हुआ अ सिमिलर क्राइसिस वॉज टू फेस चाइना टू जैसा हमने देखा ना जैसे यूएसएसआर में क्राइसिस आ गई थी इकोनॉमिकली वैसे ही चाइना में भी आने वाली थी इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मिनिमल एंड पर कैपिटल इनकम वॉज वेरी लो I'm so sorry.

एस्टैब्लिश कर लिए प्रेमियर जो एंड लाई कौन था तब लीडर प्रेमियर जो एंड लाई प्रपोज्ड फोर मॉडर्नाइजेशंस फोर मॉडर्नाइजेशंस चार सेक्टर्स में कौन सी नंबर वन एग्रीकल्चर नंबर टू इंडस्ट्री नंबर थ्री साइंस एंड टेक एंड नंबर फोर मिलिट्री इन चारों स्पेस में मॉडर्नाइजेशंस लाई गई इन 1973 क्लियर है By 1978, the then leader Deng Xiaoping announced the open door policy and economic reforms in China. फिर 1978 में बोल दिया गया आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं ओपन कर दिए अपनी कंट्री के डोर्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एफ टी क्लियर है दिस पॉलिसी वॉज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाई इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड आई बात समझ में कैसे चेंज किया फोर मॉडर्नाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लियर है आगे चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लीज ध्यान दो यहीं से आंसर बनेगा इस पेज से ही आंसर आएगा चाइना से रिलेटेड चाइना फॉलोड इट्स इंट्रोड्यूसिंग मार्केट इकोनॉमी राइट बाकी सारी कंट्रीज शॉक थेरेपी के आ, को अंडरगो कर रही थी लेकिन चाइना ने अपनी इकोनॉमी खुद अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप खोली प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया 1982 में है ना उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री किया 1998 में में शॉक थेरेपी क्या हुआ सब कुछ एक साथ प्राइवेटाइज हो हो गया गया कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट लेकिन चाइना ने स्टेप बाय स्टेप किया अपने हिसाब से किया ट्रेड वर रिमूव्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं जो टैक्सेस लगते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैरिव बोलते हैं तो वहां से हटा दिए गए राइट चाइना द स्टेट प्लेड एंड कंटिन्यूज टू प्ले अट्रल रोल इन सेटिंग ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी क्या है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का रोल है राइट सो कंप्लीट शिफ्ट नहीं है कैपिटलिज्म में राइट कम्युनिज्म सोशलिज्म जिसे हम कहते हैं सोशलिज्म इज द करेक्ट वर्ड वर्ड की क्या है गवर्नमेंट का रोल है इन सेटिंग ऑफ द इकोनॉमी राइट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प द चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टेग्नेशन जो इकोनॉमी रुक गई थी जो स्टेग्नेट हो गई थी उससे ऊपर उठ पाए प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड अब ये रिजल्ट है इन पॉलिसीज का पॉजिटिव रिजल्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम्स राइट High personal savings in the rural economy led to exponential growth in rural industry. The Chinese economy, including both agriculture and industry, grew at a faster rate. Everything laga, New trading laws and special economic zones led to phenomenal rise in foreign trade. लोग इन्वेस्ट करने लगे कंट्रीज इन्वेस्ट करने लगी चाइना में राइट इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनी वेयर इन द वर्ल्ड इट हैज़ लार्ज फॉरन एक्सचेंज रिजर्व जिसके पास पहले टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए फॉरन एक्सचेंज नहीं था आज उसके पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स है राइट right? क्लियर है चाइनाज एक्सेशन टू दर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कियाउंड आउट साइड वर्ल्ड इंटीग्रेशन इन टू दर्ल्ड इकोनॉमी एंड शेप द फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर देख रहे हैं क्या स्ट्रैटेजी थी चाइना की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे थोड़े से हम करेंगे नॉट एवरी वन हैज़ रिसिव्ड यहाँ पे ड्रॉबैक्स नेगेटिव पॉइंट्स बहुत तारीफ हो गई यार बुराई पर आते हैं जैसे मैं हमेशा कहती हूँ राइट अनएम्प्लॉयमेंट तो बड़ी है क्योंकि यार पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ऑलमोस्ट हंड्रेड मिलियन पीपल पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क आर एज़ बैड एज इट वॉज इन यूरोप इन एटीथ एंड नाइनटीन सेंचुरीज तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है फीमेल के लिए वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी हैं नंबर थ्री इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और करप्शन बहुत ज़्यादा है क्यों क्योंकि एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और करप्शन है तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेसिडेंट्स अमीर है अमीर हो रहा है गरीब है गरीब हो रहा है क्लियर है चलिए अब रीजनली बात करते हैं चाइना के पावर की

टेम्पर्ड बाई इकोनॉमिक कंसिडरेशंस राइट जो इनके साथ इश्यू है इकोनॉमी के साथ ट्रेड व्रेड करके सब कुछ सॉल्व हो गए इट होप्स टू रिजोल्व विथ डिफरेंसेज विथ ताइवान है ना जो उसका एक रेन, रेनेगेट प्रोविंस है जो तो कहता है कि मैं चाइना का पार्ट नहीं हूँ लेकिन चाइना कहता है मेरा ही पार्ट है राइट बाई इंटीग्रेटिंग इट क्लोजली इंटू इट्स इकोनॉमी राइट सो दीज आर ऑल रीजनल एंड ग्लोबल इंफ्लुएंस ऑफ चाइनीज इकोनॉमी अब यहां बात कर लेते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के इंडिया चाइना रिलेशन के लिए सब रेडी हैं हाँ या ना हाँ जी अभी पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं कार्टून्स कर लेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस तो सबसे पहले तो क्या सोचा था इंडिया और चाइना साथ साथ इंडिपेंडेंट हुए है ना कि हम हिंदी चीनी भाई भाई दोस्ती रखेंगे मस्त लेकिन चाइना के कुछ और ही इंटेंशन थे राइट right? कैसे शुरुआत हुई हाउ एवर यहां से शुरू करते हैं मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ओवर अ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज कौन सा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था कौन सा बॉर्डर था एक्साइचिंग एरिया ऑफ लद्दाख एंड नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो अरुणाचल प्रदेश हम कहते हैं वहां उन्होंने क्या किया बॉर्डर डिस्प्यूट में वॉर करी इन द ईयर 1962 क्लियर है और दूसरा जो इशू है वो है टिबेट का चाइनीज टेक ओवर ऑफ टिबेट इन 1950 तो ये दो इश्यूज हैं क्लियर है राइट चलिए द of 1962 इन uh, in which India suffered मिलिट्री reverses हैज लॉन्ग टर्म implications फॉर इंडिया चाइना relations. तब से कट्टी हो गई है ना Diplomatic relations कब जाके आए वापस से 1976 में राइट right? क्लियर है सो uh, so, तब से स्लोली इंप्रूव uh, हो रहे हैं

सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर देर है राइजिंग ग्लोबल पावर है राइट एंड बोथ वुड लाइक टू प्ले मेजर रोल इन द एशियन इकोनमी एंड पॉलिटिक्स दोनों ही जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत जरूरी है फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें राजीव गांधी ने चाइना में विजिट करी इन द ईयर 1988 राइट right? जिससे जो चाइना इंडो चाइना रिलेशंस है थोड़े से इंप्रूव हुए सिंस देन बोथ गवर्नमेंट्स हैव टेकन मेजर्स टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट को रोकना एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पीस एंड कॉपरेशन को फैसिलिटेट करना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा पंचशील अग्रीमेंट पंचशील अग्रीमेंट बता दो फटाफट से चैट सेक्शन में बुक टू में हमें बताया गया है बिल्कुल हमेशा इंडो चाइना रिलेशन में पंचील अग्रीमेंट आप लिखेंगे राइट चलिए अब यहाँ पे इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन नाइनटीन नाइनटी एट समाइम्स जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ अ थ्रेट फ्रॉम चाइना डिड नॉट स्टॉप ग्रेटर इंटरक्शन इट इज़ ट्रू दैट चाइना वॉज सीन एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बिल्ड अप न्यूक्लियर प्रोग्राम चाइना पाकिस्तान से ज़्यादा क्लोज है राइट उसके बांग्लादेश और म्यांमार से रिलेशन से है तो वो ऑब्वियसली इंडिया के लिए खतरनाक है थ्रेट है हावेवर अभी तक इस पर कोई ज्यादा इशू हुआ नहीं है राइट

Kari hai. It is the second largest economy in the world. It is the only Asian member of the G8. It is the 10th most populous nation in the world. Clear hai sabhi ko? Hai, Japan is the only nation that suffered the destruction caused by nuclear bombs, Hiroshima and Nagasaki mein. It is the second largest contributor to the re regular budget of UN, contributing almost 20% of the total. Japan has a security alliance with the US since 1951.

इफेक्टिवली फंक्शन एज एन ऑल्टर सेंटर ऑफ पावर क्लियर है ये सभी को हा या ना एक बार देख लेते हैं क्या क्या कवर किया है राइट इंडिया चाइना रिलेशन कर लिए हैं चाइना की पूरी हिस्ट्री कैसे इकोनॉमी ग्रो करी इतनी फास्ट ठीक है आसियान के बारे में सब कुछ देख लिया है यूरोपियन यूनियन देख लिया है राइट सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर फोर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर फटाफट से बता दीजिए इज इट क्लियर येस और नो जो भी मुझे फटाफट फड़ से बताइए चलो थोड़े से क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ व्हाट आर दी थ्री इमर्जिंग सेंटर्स ऑफ पावर व्हाट आर थ्री न्यू सेंटर्स ऑफ पावर क्विकली लेट मी नो फटाफट से बता दीजिए साउथ एशिया Uh, अच्छा साउथ कोरिया यस वो एडेड टॉपिक में है बुक में या है नहीं राइट right? तो एडेड टॉपिक में थोड़ा सा उसके बारे में गिवन है वी कैन डेफिनेटली उसमें आप देख लीजिए मैंने चैनल पे एडेड टॉपिक की वीडियो डाली हुई है राइट एडेड टॉपिक की वीडियो में वापस से यहां चैनल पे वन शॉट डलवा दूंगी दो वीडियोज है उनको कंबाइन करके सो दैट यू कैन एक्सेस राइट चलिए नाजिया वो वाले नोट्स में चैनल पे नहीं डाल पाऊंगी वो आप बुक मतलब वीडियो से देख लीजिए एंड खुद नोट कर लीजिए राइट वो एक ओवरव्यू के लिए ही था आसियान चाइना ईयू, यू वेरी वेल डन बहुत अच्छे क्रिएटिव वर्ल्ड एजुकेटेड गेमर्स नाजिया वेरी गुड ब्रिक्स भी एडेड टॉपिक में है आपका वो सब कुछ एडेड टॉपिक में है बुक में गिवन नहीं है तो जो बुक में गिवन है हम बुक कर रहे हैं एनसीईआरटी कर रहे हैं एडेड टॉपिक्स की वीडियो आपको अलग से जाके देखो यहीं चैनल पे मिल जाएगी लेट्स क्रैक सीयूईटी यूजी पे राइट right? प्लेलिस्ट है मेरी पॉलिटिकल साइंस वाली वहाँ पे जाओगे आपको मिल जाएगी एडेड टॉपिक्स की वीडियो क्लियर है राइट वेरी गुड गौरव वेरी गुड गर्गी वेरी वेल डन राति बहुत अच्छे परफेक्ट चलिए अब हम नेक्स्ट कल अब हम मिलेंगे मंडे 8 पी एम फॉर आवर

वेरी वेल डन चलिए ऑल्सो अगेन आ रिमाइंडर टू ज्वाइन आर प्लस कोर्स जहाँ पे आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल रहा है सी यू ई टी हंड्रेड कोर्ड लगाएंगे बहुत ही आई वुड से फ्रेंडली पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे सब कुछ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज टेस्ट जनरल टेस्ट टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे एम सी क्यू होगा क्विजिस होंगे पी डी एफ मिलेगी एक्सप्लेनेशन होगा इन जस्ट रुपीज फोर थाउजेंड फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ जब का जब तक आपका सी यू ई टी नहीं हो जाता है क्लियर है एवरी वन परफेक्ट एवरी वन चलिए सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन आज की क्लास के लिए इतना ही नाउ आई मीट यू टूमोरो एट सेम टाइम फॉर चैप्टर नंबर इज कंटेम्प्ररी साउथ एशिया थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन आल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन यू आर एट सी यू टी यू आर एट लेट्स क्रैक सी यू टी यू जी सो हियर इज योर पोलिटिकल साइंस मैं पूर्वा चौधरी साइनिंग ऑफ एंड लेट्स क्रैक इट हैप्पी लर्निंग आई सी यू है